नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंडी पे। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पुलाव। इसके लिए हम पहले मटर छीलेंगे। अब हम प्याज के छोटे छोटे टुकड़े को काट के रख लेंगे। अब हम शिमला मिर्च काटेंगे। अब हम गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब गोभी काटेंगे। इस तरह से आप सब सब्जियों को अच्छी तरह से काट ले काट के रख लेंगे। आप चाहे तो कुछ और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे चावल लेंगे। हमने यहाँ पे 3 कटोरी चावल लिया है। आप चाहे तो और आप अपने हिसाब से चावल ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको भिगो के रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। फिर चावल को निकाल के रख लेंगे। अब हम कढ़ाई में हमने यहाँ पे घी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें काजू डालेंगे। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहें। अब देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल के रख लेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। इसको थोड़ी फ्राई कर लें। अब गोभी डालेंगे। इसको थोड़ा चला लें। अब शिमला मिर्च डालेंगे। इसको फ्राई कर लें। अब गाजर, इसको थोड़ा चलाते रहें बीच बीच में। मटर डालेंगे। तो सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। इसको चलाते रहें। इसको 5 से 10 मिनट के लिए चला चला के पकाएं। अब इसमें मिर्च डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे। इसको थोड़ा मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम भिगा हुआ चावल डालेंगे। जितना कप चावल लिए थे उससे डबल हमको यहाँ पे पानी लेना है। इसको मिलाएं अच्छी तरह से। इसको हल्के ये में मिलाएं ताकि चावल टूटे ना। थोड़ा देर फ्राई कर ले 5 मिनट के लिए। अब इसमें भुने हुए काजू डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम पानी डालेंगे। इसको मिक्स कर लें। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। देख सकते हैं ये इस तरह से बीच बीच में हम लोग को चलाते रहना ताकि ताकि चिपके ना।
ये पक चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम धनिया पत्ते डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा बन के रेडी है, अब हम इसको चिकन के साथ सर्व करेंगे। अच्छा बना है, वेज और चिकन खाने में बहुत टेस्ट है।